सम्यक निरीक्षण से विचार शून्यता घटित होती है। आंतरिक साधना का मूल तत्व सम्यक निरीक्षण है, राइट ऑब्जर्वेशन। तो विचार की जो धाराएं हमारे चित्त पर दौड़ती है, आप उसके मात्र निरीक्षक हो जाएं। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो, नदी की भागती हुई धार को देखें, सिर्फ किनारे पर बैठा हो। जैसे कोई जंगल में बैठा हो, पक्षियों की उड़ती हुई कतार को देखें और सिर्फ बैठा हो। जैसे कोई वर्षा के आकाश को देखे, बादलों की दौड़ती हुई पंक्तियों को देखे, ऐसे ही मन के आकाश में विचार के दौड़ते हुए बादलों को, विचार के उड़ती हुई पक्षियों को, विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप तट पर खड़े होकर के देखना। जैसे हम किनारे पर बैठे हैं और विचार को देख रहे हैं, विचार को उन्मुक्त छोड़ दें, विचार को बहने दें और भागने दें, दौड़ने दें। आप चुपचाप बैठ करके देखें, आप कुछ भी ना करें, कोई छेड़छाड़ न करें, कोई रुकावट न डालें, कोई दमन न करें। कोई भी विचार आता हो तो रोके नहीं, कोई भी जाता हो तो उसकी मात्र निरीक्षक रहें। उस मात्र निरीक्षण में दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, विचार अलग हैं और आप अलग हैं। क्योंकि बोध होता है कि जो विचारों को देख रहा है वह विचारों से पृथक होगा, अलग होगा, भिन्न होगा। और जब यह बोध होता है तो एक अद्भुत शांति घनी होने लगती है। तब कोई चिंता फिर आपकी नहीं। आप चिंताओं के बीच में हो सकते हैं परंतु चिंता आपकी नहीं। आप समस्याओं के बीच में हो सकते हैं पर समस्या आपकी नहीं। आप विचारों से घिरे हो सकते हैं पर विचार आप नहीं। जब यह ख्याल आ जाए कि आप विचार नहीं है तो फिर विचारों के प्राण टूटने शुरू हो जाते हैं, फिर विचार निर्जीव होने लगते हैं। फिर विचारों की शक्ति तो इसी में है कि जब तक हम ये समझते हैं कि वे हमारे हैं। जब आप किसी से विवाद करने को उतर जाते हैं तो आप कहते हैं मेरा विचार, परंतु कोई भी विचार आपका नहीं है। सारे विचार अन्य हैं, भिन्न हैं, आपसे अलग हैं। उसका निरीक्षण करें। एक कहानी कहता हूँ आपको। बुद्ध के पास ऐसा हुआ, एक राजकुमार दीक्षित हुआ। पहले दिन ही वह भिक्षा मांगने गया और जिस द्वार पर बुद्ध ने उसे भेजा था उसने भिक्षा मांगी, उसे भिक्षा मिली, उसने भोजन किया, वह भोजन करके वापस लौटा। उसने बुद्ध को जाकर के कहा, क्षमा करें, मैं वहाँ दोबारा नहीं जा सकूँगा। बुद्ध ने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, यह हुआ कि जब मैं गया, 2 मील का फासला था, रास्ते में मुझे वे भोजन स्मरण आए जो मुझे प्रीतिकर हैं, और जब मैं उस द्वार पर गया तो श्राविका ने वे ही भोजन बनाए थे। मैं हैरान हुआ, मैंने सोचा यह संयोग है। लेकिन फिर यह हुआ, जब मैं भोजन करने बैठा था तो मुझे ये ध्यान में आया कि मैं रोज अपने घर पर भोजन के बाद 2 क्षण विश्राम करता था, आज कौन विश्राम करने को कहेगा। जब मैं यह सोचता था तभी उस श्राविका ने कहा, भंते, अगर भोजन के बाद 2 क्षण रुकेंगे और विश्राम करेंगे तो अनुग्रह होगा, कृपा होगी आपका, मेरा घर पवित्र होगा। मैं हैरान हुआ, फिर भी मैंने सोचा यह संयोग होगा कि मेरे मन में ख्याल आया और उसने कह भी दिया। फिर मैं लेटा और विश्राम करने को था, मेरे मन में यह ख्याल आया कि आज न कोई अपनी शैया है, न कोई साया है, आज दूसरे का छप्पर है, दूसरे की दरी पर, दूसरे की चटाई पर लेटा हूँ। तभी उस श्राविका ने कहा, भिक्षु, न ये शैया आपकी है न मेरी है, न ये साया आपका है न मेरा है। तब मैं घबरा गया, अब संयोग तो बार बार होने मुश्किल थे। मैंने उस श्राविका को कहा, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरे भीतर चलने वाली विचारधाराएँ तुम्हें परिचित हो जाती हैं? उस श्राविका ने कहा, ध्यान को निरंतर करते करते अपने विचार शून्य हो गए हैं, अब दूसरों के विचार भी दिखाई पड़ते हैं। तब मैं घबरा गया और मैं भागा हुआ आया हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, कल मैं वहाँ नहीं जा सकूँगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? उसने कहा, इसलिए कि मैं कैसे कहूँ, क्षमा कर दें, न जाने को कहें वहाँ। क्योंकि बुद्ध लेकिन फिर बुद्ध ने आग्रह किया तो उस भिक्षु को बताना पड़ा। उस भिक्षु ने कहा, मैं उस सुंदर युवती को देख करके मेरे मन में विकार भी उठे थे, वे भी पढ़ लिए गए होंगे, मैं उसे किस मुंह से वहाँ जाऊँ, कैसे मैं उस द्वार पर खड़ा होऊंगा, अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जा सकता।
बुद्ध ने कहा, वहीं जाना होगा, यही तुम्हारी साधना का हिस्सा है। इस भांति तुम्हें विचारों के प्रति जागरण पैदा होगा और तुम विचारों के निरीक्षक बन सकोगे। मजबूरी थी, उसे दूसरे दिन फिर जाना पड़ा, लेकिन दूसरे दिन वह वही आदमी नहीं जा रहा था जो पहले दिन था। पहले वह सोया हुआ था, सोया हुआ गया था उस रास्ते पर। उसे पता भी न था कि उसके मन में कौन से विचार चल रहे थे। दूसरे दिन वह सजग हो गया, क्योंकि अब डर था, अब वह होशपूर्वक हो गया। वह जब उसके द्वार पर गया तो क्षण भर ठहर गया सीढ़ियाँ चढ़ने के पहले। अपने को उसने सचेत कर लिया, उसने अपने भीतर आँख गड़ा दी। बुद्ध ने कहा था, भीतर देखना और कुछ मत करना, इतना ही स्मरण रहे। अनदेखा कोई विचार न हो, अनदेखा कोई विचार न हो, बिना देखे हुए कोई विचार न निकल जाए, बस इतना ही स्मरण रखना। वह सीढ़ियाँ चढ़ा, अपने भीतर देखता हुआ, अपनी सांस भी दिखाई पड़ने लगी। उसे अपने हाथ पैर का हलन चलन भी दिखाई पड़ने लगा। उसने भोजन किया, एक कौर भी उठाया तो उसे दिखाई पड़ा जैसे कोई और भोजन कर रहा हो और वह सिर्फ देख रहा हो। जब आप दर्शन बनेंगे अपने ही, तो आपके भीतर दो तत्व हो जाएंगे, एक क्रिया भाग है और एक जो केवल साक्षी है। आपके भीतर दो हिस्से हो जाएंगे, एक जो करता है और एक जो केवल दृष्टा है। उस घड़ी उसने भोजन किया, लेकिन भोजन तो कोई और कर रहा था और देख कोई और रहा था। इसलिए हमारा देश कहता है कि सार और सारी दुनिया के जिन लोगों ने जाना है, वे कहते हैं जो देख रहा है वह आप है और जो कर रहा है वो आप नहीं है। उसने देखा, वह हैरान हुआ और वह नाश्ता हुआ वापस लौटा। उसने बुद्ध को जाकर के कहा, धन्य है, मुझे कुछ मिल गया। दो अनुभव हुए, एक तो यह अनुभव हुआ कि अब मैं बिल्कुल सजग हो गया तो विचार बंद ही हो जाते हैं। उसने कहा, एक अनुभव तो ये हुआ, जब मैं बिल्कुल सजग होकर के देखता था भीतर तो विचार बंद हो जाते हैं, और दूसरा अनुभव ये हुआ कि जब विचार बंद हो जाते हैं तब मैंने देखा कर्ता अलग है और दृष्टा अलग है। बुद्ध ने कहा, इतना ही सूत्र है और जो इसे साध लेता है वही सब साध लेता है। घृणा की जगह प्रेम को आने दे, द्वेष की जगह मैत्री को आने दे, भाव शुद्धि में। अब मैं कहूँगा इस सत्य को भी जाने कि जो प्रेम कर रहा है, जो घृणा कर रहा है, उसके पीछे भी एक तत्व है जो केवल जान रहा है, जो न घृणा करता है न प्रेम करता है, वह केवल साक्षी है। उसने देखा था कभी घृणा की गई, अब वह देख रहा है कि प्रेम किया जा रहा है। वह केवल साक्षी है, वह केवल देख रहा है। जब मैं किसी को घृणा करता हूँ तो क्या मेरे भीतर किसी बिंदु को यह पता नहीं चलता है कि मैं घृणा कर रहा हूँ? जब मैं किसी को प्रेम करता हूँ तो क्या मेरे भीतर किसी को यह पता नहीं चलता है कि मैं प्रेम कर रहा हूँ? और जिसको पता चलता है वह प्रेम से अलग है, वह घृणा से अलग है। वही हमारी आत्मा है जो शरीर के और विचार के और भाव से सबसे अलग है। इसीलिए पुराने ग्रंथ कहते हैं, नेति नेति, न वह देह है, न वह विचार है, न वह भाव है, वह कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ भी शेष नहीं रह जाता, वही केवल दर्शक है, वही दृष्टा है, वही साक्षी चैतन्य हमारी आत्मा है। तो भाव की धारा के प्रति भी दृष्टा बोध रखना है। आखिर में उसको बचा लेना है जो केवल दर्शन है, जो शुद्ध दर्शन मात्र है, बस उसे ही बचा लेना है। वही शुद्ध दर्शन प्रज्ञा है, जो शुद्ध दर्शन को हमने ज्ञान कहा है, उसी शुद्ध दर्शन को हम आत्मा कहते हैं। और योग को और धर्मों का चरम लक्ष्य वही है। अंतरंग साधना में मूल तत्व है सम्यक निरीक्षण, देह की क्रियाओं का, विचार की प्रक्रियाओं का और भाव की अंतरंग धाराओं का। इन तीनों परतों को जो पार करके साक्षी को पकड़ लेता है, उसे किनारा मिल गया। उसे किनारा क्या, उसे लक्ष्य मिल गया। जो इन तीनों में किसी से भी बंधा रहता है, वह किनारे से बंधा हुआ है, उसे भी लक्ष्य नहीं मिला। सिकंदर जब भारत से वापस लौटता था तो उसने चाहा कि एक फकीर को भारत से ले जाए ताकि वह यूनान में दिखा सके कि भारतीय फकीर कैसा होता है। यूं तो बहुत फकीर जाने को राजी थे, उत्सुक थे कि सिकंदर आमंत्रित करे, शाही सम्मान से ले जाए,
तो कौन जाना पसंद न करेगा। लेकिन जो जो सुख थे सिकंदर ने उन्हें ले जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जो सुख थे उनसे ही जाहिर था कि वे फकीर नहीं थे। सिकंदर उस फकीर की कोशिश में लगा रहा जिसका ले जाने में अर्थ हो। सीमांत प्रदेश से वापस लौटता था तो एक फकीर का पता चला। लोगों ने कहा एक साधु है नदी के तट पर अरण्य में, उसे ले जाए। वह गया, पहले उसने अपने सैनिक भेजे, उस फकीर को कहलवाया। सैनिकों ने जाकर के कहा तुम्हारा धन्य भाग है, सिकंदर ने तुम्हारे को चुना है और महान सिकंदर की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है। उसने चाहा कि तुम उनके साथ चलो, शाही सम्मान से तुम्हें यूनान ले जाएंगे। उस फकीर ने कहा फकीर को ले जाने की ताकत किसी में भी नहीं है। सैनिक हैरान हुए, विजेता सिकंदर के सैनिक थे और एक नंगा फकीर ऐसा कहे। उन्होंने कहा भूल करके भी ऐसा शब्द दोबारा मत निकालना, अन्यथा जीवन से हाथ धो बैठोगे। उस फकीर ने कहा जिस जीवन को हम छोड़ चुके हैं उसे अब छुड़ाने वाला कोई भी नहीं है, और जाकर अपने सिकंदर को कह दो, उसे जाकर के कहो कि तुम्हारी ताकतें सब जीत लें तो भी उसे नहीं जीत सकती जिसने अपने आप को जीत लिया हो। उसने कहा जाकर कह दो तुम्हारी सब ताकतें सब जीत, लेकिन उसे नहीं जीत सकती जिसे अपने को जीत लिया। सिकंदर हैरान हुआ, ये अजीब बात थी लेकिन एक अर्थ में अर्थपूर्ण भी थी, क्योंकि फकीर से मिलना हो गया, एक ऐसे आदमी की तलाश भी थी। सिकंदर खुद गया, उसके हाथ में नंगी तलवार थी और उसने जाकर के उस फकीर से कहा अगर नहीं गए तो शरीर से हम सिर को अलग कर देंगे। तो उसने कहा कर दो, जिस भांति तुम देखोगे कि तुमने शरीर से सिर अलग कर दिया उसी भांति मैं भी देखूंगा कि शरीर से सिर अलग कर दिया गया। उसने कहा हम भी देखेंगे, हम भी दर्शक होंगे उस घटना के, तुम हमें नहीं मार सकते क्योंकि हम तो केवल दर्शक हैं। फकीर ने कहा हम भी देखेंगे कि शरीर से सिर अलग कर दिया, लेकिन इस भूल में मत रहना कि तुमने हमारा कुछ बिगाड़ दिया। जहां तक कोई कुछ बिगाड़ सकता है वहां तक हमारा होना ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने कहा जिसे अग्नि न जला सके, जिसे बाण न छेद सके, जिसे तलवार तोड़ न सके, वैसी कोई सत्ता वैसी कोई अंतरात्मा हमारे भीतर है जिसे अग्नि न जला सके, जिसे कोई बाण न बेच सके। ऐसा कोई अविच्छेद सत्ता हमारे भीतर, उस सत्ता का बोध और शरीर से तादात्म्य टूट जाना या भाव टूट जाना कि मैं देह हूं शरीर की शून्यता है, इसे तोड़ने के लिए कुछ करना होगा, इसे तोड़ने के लिए कुछ साधना होगा। और शरीर जितना शुद्ध होगा उतनी आसानी से शरीर से संबंध विच्छिन्न हो सकता है। शरीर जितनी शुद्ध स्थिति में होगा उतनी शीघ्रता से वह जाना जा सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसीलिए शरीर शुद्धि भूमिका थी और शरीर शून्यता उसका चरम फल है। कैसे हम उसे साधेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, यह अनुभव हो जाए एक बात, उठते बैठते सोते जागते अगर हम थोड़ा स्मरण पूर्वक देखें, अगर थोड़ा राइट माइंडफुलनेस हो, अगर थोड़ी स्मृति हो शरीर की क्रियाओं के प्रति, तो जो पहला चरण शून्यता लाने का है वह धीरे धीरे विकसित होता जाएगा। जब आप रास्ते पर चलते हैं तो जरा अपने भीतर गौर से देखें, वहाँ कोई ऐसा भी है जो नहीं चल रहा है, आप चल रहे हैं, आपके हाथ पर चल रहे हैं, लेकिन आपके भीतर कोई ऐसा तत्व भी है जो बिल्कुल नहीं चल रहा है, जो मात्र आपके चलने को देख रहा है। जब हाथ और पैर में दर्द हो, चोट लग गई है, तो जरा भीतर सजग होकर के देखें, चोट आपको लग गई है या चोट आपके शरीर को लगी है, और चोट को आप जान रहे हैं तो जब कोई पीड़ा हो शरीर पर तो जरा सजग होकर के देखें कि पीड़ा आपको हो रही है या आप केवल पीड़ा के साक्षी हैं, आप केवल पीड़ा के दर्शक हैं। जब भूख लगे तो स्मरण पूर्वक देखें कि भूख आपको लगी है या आपके शरीर को लगी है, आप केवल दर्शक हैं। और जब कोई खुशी आ जाए तो उसको भी देखें और अनुभव करें कि यह खुशी कहाँ घटित हुई है। जीवन के उठते बैठते चलते सोते जागते जो भी घटनाएं हैं उन सब में स्मृति पूर्वक इस बात का विवेक और इस बात की निरंतर चेष्टा देखने की कि घटनाएं कहाँ घट रही है, वे मुझ पर घट रही है या मैं केवल दर्शक हूँ।
हमारी आदतें तादात्म्य की घनी है। अगर हम एक पिक्चर देखने जाते हैं, हम एक नाटक देखने जाते हैं, तो हो सकता है कि हम पिक्चर या नाटक देखते हुए रोने लगे, हम हंसने लगे, और जब पिक्चर हॉल में लाइट जले तो आप चोरी से अपने आंसू पोंछ लें, का कोई देख न ले का आप रोए थे। एक चित्र को देख करके आपने उससे इतना जुड़ गए का चित्र के किसी नायक से, किसी पात्र से आपने अपने आप को इतना एक कर लिया कि उस पर जो पीड़ा घटती है वह आप तक संक्रमित हो जाती है और आप रोने लगते हैं। मनुष्य के अंतस जीवन में भी शरीर पर जो घटित हो रहा है, चेतना उसे मुझ पर हो रहा है, ऐसा मान करके दुखी और पीड़ित हो जाती है। सारे दुख का एक ही कारण है कि हमारा शरीर से जुड़ाव, हमारा शरीर से तादात्म्य, और सारे आनंद का भी एक ही कारण है कि शरीर से तादात्म्य विच्छिन्न हो जाए तो हमें यह स्मरण आ जाए कि मैं देह नहीं हूँ। तो उसके लिए सम्यक स्मृति, देह की क्रियाओं के प्रति सम्यक स्मृति, राइट अवेयरनेस, देह की क्रियाओं का सम्यक दर्शन, सम्यक निरीक्षण, यही उसकी प्रक्रिया है। देह शून्यता आएगी देह के प्रति सम्यक निरीक्षण से, और यह निरीक्षण करना जरूरी है। जब रात्रि बिस्तर पर सोने लगे तो यह स्मरण पूर्वक देखना जरूरी है कि मैं नहीं, मेरी देह बिस्तर पर जा रही है, और जब सुबह बिस्तर से उठने लगे तो स्मृति पूर्वक यह स्मरण रखना जरूरी है कि मैं नहीं, मेरी देह बिस्तर से उठ रही है, नींद मैंने नहीं ली, नींद केवल देह ने ली, और जब भोजन करें तो जाने का भोजन देह ने किया, और जब वस्त्र पहने तो जाने का के वस्त्र केवल देह को ढकते हैं, आपको नहीं। जब कोई चोट करे तो स्मरण पूर्वक आप जान सकें कि चोट देह पर की गई है, आपको नहीं। इस भांति सतत बोध को जागते जागते किसी भी क्षण विस्फोट होता है और तादात्म्य टूट जाता है। आप जानते हैं जब आप स्वप्न में होते हैं तो आपको अपनी देह की स्मृति नहीं रह जाती है, और जब आप जानते हैं जब आप गहरी निद्रा में जाते हैं तो भी आपको अपनी देह का पता रह जाता है क्या? क्या आपको अपना चेहरा याद रहता है? आप अपने भीतर जितने गहरे जाते हैं उतने ही अनुपात में आप अपने शरीर को भूलते चले जाते हैं। स्वप्न में शरीर का पता नहीं होता, और प्रगाढ़ निद्रा में और सुषुप्ति में भी देह का बिल्कुल पता नहीं होता। जब वापस होश आना शुरू होता है तब देह से शरीर से तादात्म्य जुड़ता है। किसी दिन सुबह नींद खुल जाए तो एक क्षण अंदर देखना क्या आप देह हैं, तो आपको धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा स्पष्ट कि देह का तादात्म्य जग रहा है, पैदा हो रहा है। इस देह के तादात्म्य को तोड़ने का एक प्रयोग है। अगर महीने में आप एक दो बार आप करते रहें तो देह के तादात्म्य को तोड़ने में सहयोगी होगा। इस प्रयोग को थोड़ा समझ लीजिए। जिस भांति हम रात्रि का ध्यान कर रहे हैं उसी भांति सारे शरीर को शिथिल छोड़ करके, प्रत्येक चक्र पर सुझाव दे करके, शरीर को शिथिल छोड़ करके, अंधकार करके कमरे में ध्यान में प्रवेश करें। अब जब शरीर शिथिल हो जाए, जब श्वास शिथिल हो जाए, जब चित्त शांत हो जाए, तो एक भावना करें का आप मर गए हैं, आपकी मृत्यु हो गई है, और स्मरण करें अपने भीतर का अगर मैं मर गया हूँ तो फिर मेरे कौन से प्रियजन मेरे आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, उनके चित्रों को अपने आसपास उठते हुए देखें, वे क्या करेंगे, उनमें से कौन रोएगा, कौन चिल्लाएगा, कौन दिखी होगा, इन सबको बहुत स्पष्टता से देखें, वे सब आपको दिखाई पड़ने लगेंगे। फिर देखें मोहल्ले के पड़ेस को सारे प्रियजन इकट्ठे हो गए और उन्होंने लाश को आपकी उठा करके अब अर्थी पर बांध दिया, उसे भी देखें, देखें कि फिर अर्थी भी चली, लोग उसे लेकर के चल रहे हैं, उसे शमशान तक पहुंच जाने दें और उसे चिता पर भी रखने दें, यह सब देखें। यह पूरा कल्पना है, इमेजिनेशन है। इस पूरी कल्पना को अगर थोड़े दिन प्रयोग में करेंगे तो बहुत स्पष्ट देखेंगे कि उन्होंने चिता पर आपकी लाश को भी रख दिया, अब लपटें उठ रही है और आपकी लाश जल करके समाप्त हो गई है। जब कल्पना इस जगह पर पहुंचे कि लाश विलीन हो गई है और धुआं उड़ गया आकाश में, लपटे हवा हो गई है और राख पड़ी है, तब एकदम से सजग होकर के अपने भीतर देखें का क्या हो रहा है, तो उस वक्त आप अचानक पाएंगे का आप देह नहीं है। उस समय आपका तादात्म्य देह से एकदम टूटा हुआ हो जाएगा। इस प्रयोग को
अनेक बार करने पर जब आप उठ आएंगे, प्रयोग करने के बाद भी आप चलेंगे, बात करेंगे, आपको पता लगेगा आप देह नहीं हैं। इसी अवस्था को विदेह कहा है। इसी अवस्था को, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो जानता है अपने को, वह विदेह हो जाता है। अगर यह 24 घंटे सद जाएं और आप चलें, उठे बैठें, बात करें और आपको स्मरण हो का आप देह नहीं हैं, तो देह शून्य हो गई। और यह देह शून्य हो जाना अद्भुत है, यह अद्भुत है। और उससे अद्भुत कोई घटना नहीं, देह का तादात्म्य टूट जाना सबसे अद्भुत है। तो देह शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के बाद जब देह की शून्यता का यह प्रयोग करेंगे तो यह निश्चित ही सफल हो जाता है। तब जीवन में बड़े अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। आपकी सारी भूलें, आपके सारे पाप देह से बंधे हुए हैं, अब आपके जीवन में एक भी भूल और एक भी पाप नहीं होगा जो देह से बंधा हुआ हो। अगर आपको यह स्मरण हो जाए कि आप देह नहीं है, तो जीवन से कोई भी विकृति उठने की कोई संभावना समाप्त हो जाएगी। तब अगर कोई आपको तलवार भोंक दे तो आप देखेंगे कि उसने तलवार देह में भोंकी है और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपको कुछ हुआ है। आप अस्पर्शित रह जाएंगे। उस वक्त आप कमल के पत्ते की तरह पानी में होंगे। उस वक्त जब देह शून्यता का बोध होगा, तब आप स्थिति प्रज्ञ की भांति जीवन में जिएंगे। तब बाहर के कोई आवर्त और बाहर के कोई तूफान और आंधियां आपको छू नहीं सकेंगी, क्योंकि वे केवल देह को छूती है। उनके संघात केवल देह तक होते हैं, उनकी चोटें केवल देह तक पड़ती है। लेकिन भूल से हम समझ लेते हैं कि हम पर पड़ी है, इसीलिए हम दुखी, पीड़ित और सुखी सब होते हैं। यह आंतरिक साधना का, केंद्रीय साधना का पहला चरण। हम देह शून्यता को साधें, यह सद जाता है। यह साधना कठिन नहीं है, जो भी प्रयास करते हैं निश्चित ही सफल हो जाते हैं। दूसरा तत्व है आंतरिक साधना का, वह है विचार शून्यता। जिस भांति सम्यक निरीक्षण से देह के अंदर देह शून्यता घटित होती है, उसी तरह विचार के सम्यक निरीक्षण से विचार शून्यता घटित होती है। इस आंतरिक साधना का मूल तत्व सम्यक निरीक्षण है, राइट ऑब्जर्वेशन। इन तीनों चरणों में शरीर पर, विचार पर और भाव पर सम्यक स्मरण। बदले जीवन।